देखिए, मुझे बहुत ही दुख हुआ आज ये जो यहाँ पर बंटवारा में ये वाक़ा हुआ, ये बोर्ड का। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ अ वेरी सैड न्यूज़। घर से निकले नॉर्मल लाइफ लोगों की, खासकर इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, एक ही घर में सुनने में आया कि बेटे दो और माँ की डेथ हो गई। मगर मुझे लगता है इसमें गवर्नमेंट की भी कोताही है, क्योंकि ये ब्रिज बोलते हैं 2014 से स्टार्ट हुआ है, जो कि आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। अगर ऐसे प्रोजेक्ट पेंडिंग रहे तो ये तो बहुत अफसोस की बात है, और इस जिसमें ये लोगों की जाने जाए, इससे बड़ा क्या हो सकता है। मैं ऑनरेबल एलजी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें खुद इंटरवीन करें, ये देखें ये मसला क्या हुआ है, क्यों हुआ है। आइंदा कॉशस रहने की ज़रूरत है, और जो लोग इसके मुतासिर हो गए, मेरी पूरी हमदर्दी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज कश्मीर CCI की तरफ से है। मैं हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं, और गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि उनकी फौरी तौर से जिस तरीके से भी रफाकत हो वो की जाए। देखिए, जाने वाला तो वापस नहीं आएगा, मगर बहुत से मसले मसाइल होंगे फैमिलीज़ में भी, उनकी भरपूर मदद की जाए जिस तरह से भी पॉसिबल होगा। हम इस गम में पूरे शरीक हैं। शुक्रिया।